व्हाट्सअप के मजा में मैं हर्षा आपका स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद हर्षा पे सीधे हर की पौड़ी हरिद्वार से। जी हाँ गाइस, मैं आपकी मेरी इस सीरीज यानी कि केदारनाथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। केदारनाथ की ये सीरीज जो स्टार्ट होती है वो आपका पहला जो पॉइंट होता है, पहला जो पड़ाव होता है वो होता है हरिद्वार। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरह से भीड़ है, किस तरह से यहाँ पे भीड़ है। और बस अब हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है, हम एक धाम की यात्रा करने वाले हैं। मैं कल ही चार धाम की यात्रा करके आई हूँ लेकिन उसकी सीरीज मैंने नहीं बनाई है। ये स्पेशल सीरीज जो मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ केदारनाथ धाम की है। तो स्टे ट्यून, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आज हम करने वाले हैं हर की पौड़ी में गंगा दर्शन। गाइस आज है डे 3 एंड वी आर एट गुप्त काशी। फर्स्ट डे था हमारा हरिद्वार, सेकेंड डे था हमारा हरिद्वार से गुप्त काशी की ओर, जो पूरा अमेजिंग जर्नी थी जो आपने देखी है। आज है डे 3 यानी कि आज है 29 मई 2022। और आज मैं आपको एक्सपीरियंस करने वाली कराने वाली हूँ और ख़ुद भी करने वाली हूँ कि केदारनाथ का जो ट्रैक है वो किस तरह से होता है। अभी तक तो हमने हेलीकॉप्टर की जर्नी की है, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के दर्शन किए हैं, बट आज का जो जर्नी होने वाली है वो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। तो गाइस स्टे ट्यून, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर विद हर्षा। चलिए साथ में चलते हैं केदारनाथ बाबा के द्वार। गौरीकुंड की तरफ इस बजे है 7:30 और बस हम भी ऑन द वे है। सीतापुर सिग्नल जाने, सीतापुर पार्किंग जाने तक भी गाड़िया को नहीं जाने दे रहे, इतना रश है। लो मैडम, टोबे दस्ताने एंड को, टोबे दस्ताने एंड को। तो बस यहाँ से भी हमें चल के जाना है, ये 4 किलोमीटर है और उसके बाद हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलेगी। तो आगे देखते हैं कितना रश है, मैं आपको बताती हूँ। बाकी मेरे पीछे तो आपको रश दिख रहा होगा गाइस, कुछ ऐसी भीड़ लगी हुई है गौरीकुंड जाने के लिए। ये पीछे देखिए इस तरह से यहाँ पे पूरी क्यू लगी हुई है। तो काफी मात्रा में यात्री यहाँ पे आ चुके हैं और गौरीकुंड जाने के लिए भी काफी लंबी लाइन है, 1-1.5 घंटा आपको लाइन में लग सकता है। तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके यहाँ पे आइएगा। बाकी हम आगे अपनी यात्रा यूँ ही चला रहे हैं। हम भी ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक तो हम पहुँच गए हैं, हम लाइन में करीबन 1.5 घंटे से है। तो स्टे ट्यून, आगे चलते हैं। इस तरह से ब्रिज से आते हुए आपको यहाँ पे बुलेरो मिलेगी, जहाँ पे का कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। बुलेरो आपको गौरीकुंड तक छोड़ेगी। गौरीकुंड यहाँ से यानी कि सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर है। जो यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी चलती है वो है,
बट काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप नॉर्मल डेज में आते हो तो इतनी भीड़ नहीं मिलती है, बट फिलहाल जो है वो यात्रा 2 साल के बाद खुली है और यात्रा बहुत जोरों शोरों से चल रही है, इसलिए कुछ इस तरह से आपको भीड़ मिलेगी। तो अगर आप अगले अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि गौरीकुंड में आपको काफ़ी गौरीकुंड पहुँचना आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। बाकी आज का मौसम काफ़ी साफ है, बज चुके हैं 9:30 और अभी तक धूप दिख रही है, मतलब भोले बाबा हमारे साथ है, हम ये यात्रा यूं ही करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, पूरा वीडियो देखेगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर विद हर्षा। एक घंटे की ड्राइव के बाद, थोड़ा सा ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे जहां से ट्रैक शुरू होता है। तो लेट्स स्टार्ट गौरीकुंड। ये लगी हुई है भीड़। ये है बेस कैंप जहाँ से प्रथम दर्शन होते हैं महादेव के मंदिर के, यानी कि केदारनाथ बाबा के। फिलहाल मैं जा रही हूँ, यहाँ पे मेरा टेंट बुक है, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगी बाबा के मंदिर में, क्योंकि 3 से 5 जो है वो मंदिर भी बंद होता है। घोड़े से मुझे 5 घंटे लगे आने के लिए, बट आ गए, फाइनली पहुंच गई हूँ मैं। और अभी टेंट में चेक इन करती हूँ एंड देन मंदिर की तरफ चलेंगे। स्टे ट्यून। रात का नज़ारा जो है वो केदारनाथ का इस तरह से है। यहाँ पे टेंट है जहाँ हम रुके हुए हैं और पीछे पूरा ग्लेशियर है, बहुत खूबसूरत नज़ारा हो चुका है। इस खूबसूरत मॉर्निंग के व्यू के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल पे, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद हर्षा। बाबा केदार के धाम से इस खूबसूरत मॉर्निंग से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल पे। गाइस, मैं कल रात को पहुंच गई थी, कल रात को नहीं कल शाम को पहुंच गई थी, आप लोगों को पता है, बट मेरी हालत बहुत ख़राब थी। अभी भी आप देख पा रहे होंगे, अभी बजे हैं 6:30 और मैं अब मेरे टेंट से निकल चुकी हूँ महादेव के पास, जो एक्चुअल मंदिर है वहाँ जाने के लिए। रात को हमारे साथ क्या हुआ वो मैं आपको विस्तार से बाद में कभी बताऊँगी। फिलहाल ये खूबसूरत जर्नी एंजॉय करते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं, फिर वापस नीचे जाना है हमें। स्टे ट्यून गाइस। अगर आप सोच रहे हो मई में यहाँ पे या जून में दर्शन करने का, तो सोचिएगा भी मत, इतनी लंबी क्यू है, ये हेलीपैड से क्यू लगी हुई है। मंदिर तो वही है जो मैंने अक्टूबर में दिखाया था, पीछे के नज़ारे भी कुछ वैसे ही है। जुगाड़ बहुत सेटिंग लगा के यहाँ तक पहुँची हूँ, बहुत लंबी क्यू है, नहीं आइएगा। बाकी ब्लॉगर्स आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, बट ये वीडियो मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ। मैं जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ ये चीज़ के लिए। तो ये सही समय नहीं है यहाँ आने का, यहाँ पे बहुत रश है, और अपने बच्चों को लेके तो नहीं आइएगा। ट्राई करिए सितंबर अक्टूबर में आइए, तब तक ये रश नहीं होगा यहाँ पे, या नेक्स्ट ईयर प्लान करिए, ज़रूरी नहीं है इसी साल आप आए, ठीक है। स्टे ट्यून।
डेढ़ और मैं पहुंच चुकी हूँ वापस अपने होटल, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत सारे पापड़ बेले। मेरा पूरा ग्रुप जो है वो ऊपर है, और ट्रैवल एजेंट होने का और एविएशन में दोस्त होने का कुछ फ़ायदा हो जाता है। लास्ट मोमेंट पे कुछ कैंसलेशन आए थे एयरलाइंस के पास, तो मुझे उसमें से एक टिकट मिल गई और मैं नीचे आ गई। मैंने बाकी लोगों के लिए भी सेटिंग लगाई, बट कैंसलेशन नहीं होता है तो नहीं होता है GMVN के थ्रू। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो GMVN के थ्रू ही होती है, तो इतना ध्यान रखिएगा। जब तक आपके पास कंफर्म हेलीकॉप्टर टिकट नहीं है तो वहाँ सेटिंग लगा के कुछ नहीं होने वाला है आपको। GMVN की लाइन, वहाँ पे लाइन लगानी है, वहाँ पे अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा था। सेम मुझे मिल गया, एक ही सीट मुझे मिली थी, बाकी मेरे अभी 18 लोग ऊपर ही है। तो ये वीडियो मैं यही अंत कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी सजेशन सिर्फ एक ही है कि अभी बहुत भीड़ है, अभी नहीं आइएगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच।